हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूँ और यहाँ पर आईटीबीपी में भर्तियों की बारिश चालू हो चुकी है। बरसात का महीना पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन यहाँ आईटीबीपी की भी बरसात हो चुकी है भर्तियों की। अगर गवर्नमेंट फील्ड में डिफेंस के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं परमानेंट भर्ती, 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर परमानेंट भर्ती है। और इससे पहले मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पर आया हुआ है आईटीबीपी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का, उसका भी फॉर्म फिलअप 29 अक्टूबर से चालू होने वाला है। और यहाँ पर उसके साथ ही साथ एक और भर्ती निकल करके यहाँ पर आ गई है बहुत बड़ी, 1 नवंबर से इस फॉर्म को भरा जाएगा। और ये सबसे पहले आपको हमारे चैनल सत्यागुरु जी पे मिल रहा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले भर्ती यहीं पर मिलती है आपको। देखिए, आईटीबीपी पता ही है कि आईटीबीपी का इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स का जो एरिया होता है बॉर्डर का, तिब्बत वाले एरिया में, वहाँ पर इनका काम होता है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और इन लोगों का काम सुरक्षा से रिलेटेड सारा देखभाल वगैरह बॉर्डर एरिया में करना होता है। और यहाँ पर जो भर्ती निकली है वो कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल, जी हाँ, कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल में टेली कम्युनिकेशन फील्ड में, जी हाँ, टेली कम्युनिकेशन फील्ड में भर्ती निकाली गई है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, दौड़ कितना होगा, पिछले बार जो भर्ती आई थी उसमें कट ऑफ कितना गया था, इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, लड़के और लड़कियों के लिए एजुकेशन कितना मांगा गया है, किसके लिए कितना सीट है, A to Z पूरी जानकारी तो समझ में आ गया होगा कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भर्ती है टेली कम्युनिकेशन फील्ड में। अब टेली कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड आप समझ ही चुके होंगे कि ये संचार सेवा में आपका यहाँ पर भर्ती होने वाली है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 293, देखिए अभी इससे पहले 186 सीट पे आपको मैंने दिखाया था मोटर मैकेनिक का, 293 पे मेल फीमेल यहाँ पर दोनों, लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है। अगर बात करेंगे मैं हेड कांस्टेबल की, तो 18 से 25 साल तक के कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अप्लाई कर सकते हैं जनरल में, जनरल ओबीसी। अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो 5 साल की छूट उनको मिल जाएगी, ओबीसी की बात करेंगे तो 3 साल की छूट उनको भी मिलेगी। तो अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी 28 साल तक भर सकते हैं, और अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो 25 और 5 30 साल तक एससी एसटी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कांस्टेबल की बात करेंगे तो कांस्टेबल वाले 18 से 23 साल तक आवेदन कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल को 2 साल ज़्यादा दिया गया है, 25 साल तक आवेदन कीजिए, लेकिन कांस्टेबल में 18 से 23, ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर 18 से 23 साल कांस्टेबल वाले भरेंगे। अब ये 18 से 23 साल कब आपका कैलकुलेट होगा ये भी आपको समझना होगा। तो फॉर्म का लास्ट डेट, तो फॉर्म का लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। और हेड कांस्टेबल की बात करेंगे तो उसका भी 30 नवंबर को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल में, बाकी बात एस सी एस टी अपने देख लीजिएगा। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग फ़ी की। फ़ी देखिए, अगर मेल कैंडिडेट है, जनरल में है, ओबीसी है, तो आपको 100 रुपये का यहाँ पर मात्र फ़ी लगता है। आईटीबीपी का ये सबसे अच्छा चीज़ है, मात्र 100 रुपये फ़ी लेती है। अगर फीमेल हैं, लड़कियां हैं, एससी एसटी में आती हैं या एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं तो वो भी आवेदन कीजिए, 1 रुपये उनके लिए चार्ज नहीं लगेगा, मतलब 0 रुपये चार्ज है। और सबसे बड़ी 293 सीट पे आवेदन निकाला गया है, हर कैटेगरी को अलग अलग बांटा गया है, आप नोटिफिकेशन मेरा बगल में भी देख सकते हैं। हर कैटेगरी को कुछ ना कुछ, जनरल हो, AWS हो, एक्स सर्विसमैन हो, फीमेल हो, सभी के लिए यहाँ पर सीट को रिजर्व रखा गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, ये चीज़ लोगों को कंफ्यूज रहता है, बार बार आप कमेंट करेंगे कि सर इस पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशन चाहिए, मेरे पास इंटरमीडिएट है, ये है। आप पहले डिटेल में इसको समझ लीजिए। देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए 126 सीट यहाँ पर दिया गया है। हेड कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, हेड कांस्टेबल बड़ा पोस्ट होता है तो 126 सीट है यहाँ पर। अगर हेड कांस्टेबल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 45% आपका 12th में कम से कम होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 45-45 नंबर भी होना चाहिए। फिजिक्स में 4500, केमिस्ट्री में भी 4500 और मैथ में भी 4500, तब ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर जिनके पास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं है,
अगर 12th आपका नहीं है, अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है, अगर ITI आपका इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से या कंप्यूटर से, जिसको हम लोग कोपा वगैरह भी कहते हैं, तो अगर आपने ITI इन तीनों ट्रेड में से किसी में भी किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए ऊपर वाला भी नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है, ITI भी नहीं है, 12th भी नहीं है, अगर आपके पास 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ, जनरली लगभग सब करते हैं 10th के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हेड कॉन्स्टेबल का। ये एजुकेशन हेड कॉन्स्टेबल का आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल थोड़ा सा छोटा पोस्ट होता है, तो कॉन्स्टेबल में 167 सीट पे टोटल भर्ती है, जिसमें 10th के साथ साथ आपका डिप्लोमा हो या तो फिर ITI हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो डिप्लोमा किए हुए हो या फिर ITI जनरली। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक से या फिर कोपा सब्जेक्ट से होना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन से भी हो तो चल जाएगा, और अगर डिप्लोमा नहीं है तो ITI आपका इनमें से कोई भी एक ट्रेड पे होना चाहिए। अगर है तो आप आवेदन बिल्कुल कीजिए। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आपका एज, एजुकेशन A to Z समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे हम लोग भर्ती प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है और कौन सी वेबसाइट है, तो वेबसाइट का मैं आपको नाम बता देता हूँ, देखिए ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा। और ये फॉर्म का डेट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी नोट डाउन करके या मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि 1 नवंबर से ही ये फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम है www.recruitment.itbppolice.nic.in, और इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने बोल दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया बहुत आसान है, समझ लीजिए, मुश्किल से 4 स्टेप है, 4 स्टेप में चारों को आपको पास करना जरूरी है। पहला PET है, जिसको हम लोग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपका दौड़ वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चेक किया जाता है। तो 4 स्टेप में पहला PET को मैंने बता देता हूँ, अगर पुरुष हैं, लड़के हैं, तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 7 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा, जनरली ये ITBP में ऐसा रहता ही रहता है। और अगर लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 11 फीट आपको लॉन्ग जंप दिया जाएगा, और हाई जंप की बात करेंगे तो 3.5 फीट आपको हाई जंप दिया जाएगा। तीन तीन बार मौका मिलेगा, तीन बार में आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप पार कर लेना है, तीन बार से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा लेना है तो फिर अगले बार फिर तैयारी करके आइएगा। महिला हैं, अगर लेडीज़ हैं, तो 800 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा कर लेना है, मतलब लड़कों का आधा दिया जा रहा है, लड़कियों को तो समय भी उस हिसाब से कम है। लड़कियों को लॉन्ग जंप में भी थोड़ा सा छूट दिया गया है, 9 फीट का इनको लॉन्ग जंप दिया जाएगा, और हाई जंप की बात करेंगे तो 3 फीट इनके लिए हाई जंप है। और हाँ, लड़कियों को ना अलग से इस पूरे सीट में रिजर्वेशन दिया गया है, लड़कियों का कोटा अलग है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। लड़कियाँ बहुत चांस है आपके पास, और मेरिट भी आपका कम बनता है। उसके बाद अगर आपने PET क्वालिफाई कर लिया, तब आपका PST होगा। PST आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको पता है कि हाइट, चेस्ट वगैरह का नाप होता है, तो अगर लड़के हैं तो कम से कम 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और सीना 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। लड़कियां हैं तो 157, जो जेन्युइन लड़कियों का होता है 157 सेंटीमीटर, 155 होता है लगभग, 157 मांगा जा रहा है, तो देख लीजिएगा अपने अनुसार, 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ तक पूरा अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तब आपका लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर आप ये सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट भी आपका सही पाया जाता है, तब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन आपको पता ही है कि लगभग लगभग बहुत सारे लड़के क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप उस स्टेप तक पहुँच गए हैं तो वहाँ तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो रिटन के लिए आपको देखिए 100 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलता है, और 100 नंबर का होगा, हो सकता है कि एक क्वेश्चन एक नंबर का दे दे या 2 नंबर का, जनरली एक क्वेश्चन एक ही नंबर का रहता है, और 2 घंटे का, 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना रहेगा। अब वो 100 क्वेश्चन कैसे कैसे, किस किस टॉपिक से रहेगा, तो सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ध्यान दीजिएगा, हाई लेवल नहीं, एकदम जनरल लेवल में अंग्रेजी 20 नंबर, सामान्य हिंदी आपका 20 नंबर से रहेगा, सामान्य ज्ञान आपका 20 नंबर से रहेगा, रीजनिंग रहेगा 20 नंबर से, और गणित रहेगा 20 नंबर से, टोटल 100 नंबर का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब 100 नंबर में अगर पुराना कट ऑफ की बात करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 में आपको पता है कि 218 सीट पर लगभग लगभग भर्ती आई थी,
टेलीकम्युनिकेशन में। तो अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल में 89 तक लगभग कट ऑफ गया था। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा 89। तो कितना आपको मेहनत करना है खास करके इस सब्जेक्ट में 100 नंबर में। ओबीसी की बात करेंगे तो 85 ओबीसी में गया था। एससी एसटी की बात करेंगे तो 81 लगभग 81 ही गया था। लड़कियों के लिए थोड़ा सा मौका था, 76-75 यहाँ पर गया था। और इस बार की बात करेंगे तो अब एक से एक टैलेंटेड लड़के हैं, मोबाइल पर तैयारी कर रहे हैं घर बैठे। पहले थोड़ा सा कम ये था, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन हो चुका है, तो अब कम से कम 90 से ऊपर आपको लाना पड़ेगा। तो 2022 का जो कट ऑफ होगा ना, वो थोड़ा सा हाई जाएगा। जी हाँ, हाई, क्योंकि सीट भी अच्छी खासी है और सबसे अच्छा क्या है कि परमानेंट जॉब है। अगर इस पूरे आपको नोटिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।